भाई बात करेंगे तीन धमाकेदार मूवी के बारे में। पहले तो हम बात करेंगे बाथी की, धनुष की, जो कि बड़ा ही कमाल कर रही है अभी। किस तरह का सक्सेस है उसका, उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे दर्शन की क्रांति मूवी की ओटीटी रिलीज डेट के बारे में। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे किंग ऑफ कोथा मूवी दिलकर सलमान की। तो तीनों के तीनों बड़े ही कड़क मूवी है गाइस। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बाथी से। यार बाथी एक बड़ा ही कमाल की मूवी है यार। राइट टू एजुकेशन जेनर वाली फिल्म है। 30 करोड़ में बनी है ये फिल्म और लोग इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। इतना प्यार दे रहे हैं कि वो ओपनिंग डे में अपने पहले दिन ही बारिश जैसी फिल्म की तमिलनाडु में उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और तीन दिन के अंदर 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है गाइस। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुका है 3 दिन के अंदर। इस तरह का धमाल मचा रही है सच में। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ इस फिल्म की हिंदी डब की, क्योंकि ये तमिल और तेलुगु में सिर्फ रिलीज हुआ है। जल्दी आ जाए, आ जा रहा है यार अभी, अच्छी बात है। और दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं दर्शन की क्रांति मूवी की। यार क्रांति एक बड़ी कमाल की मूवी थी। बहुत ही मास क्लास टाइप का, मारधर टाइप का फिल्म था। इसमें सबसे ज़्यादा खास लगा था दर्शन की लुक, जिस तरह का फिगर, ओ माय गॉड, एकदम बड़ा, इतना भारी भरकम शरीर। और जब विलन का छक्के होना था एक कमाल लगता था क्रांति मूवी। और क्रांति मूवी अभी OTT पे भी धमाल मचाने आ रही है 23 फरवरी, यानी कि कल ही हमें Amazon Prime वीडियो पे दर्शन की क्रांति मूवी को देखने को मिल ही जाएगा गाइस। अब हम बात करते हैं ये जो किंग ऑफ कोथा मूवी है, जिस स्टूडियो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी अभी एक वीडियो आया है कल, जो कि दिलकर सलमान का लुक एकदम कड़क है। और यार दिलकर सलमान के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंसेप्ट किंग है यार, सच में। ये जिस तरह के चैलेंजिंग कंसेप्ट लेके आते हैं ना गाइस, देखने में मज़ा आता है। मतलब आपको फिल्म एकदम बांध के रखता है, ऐसे कंसेप्ट में वो जुड़ते हैं। जैसे कि चुप मूवी ले लो, अभी जो रिलीज हुआ था 2020 में चुप मूवी, किस तरह का रिव्यूअर्स के ऊपर जान छुड़ा दिया था। और उसके बाद कुरूप मूवी ले लो, कुरूप भी बड़ी कमाल की मूवी थी। और सीतारामम को कैसे भूल सकते हो यार, दिल लुट लिया था यार। सीतारामम एकदम कड़क मूवी है। अभी सीतारामम के बारे में बस एक छोटा सा हिंट देना चाहूँगा। कोई कोई भाई लोग हैं अभी जो इवनिंग के टाइम पे सीतारामम यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हो ही जा रही है, फिर डिलीट हो जा रहा है गाइस। अब अगर इवनिंग के टाइम पे सीतारामम मूवी को फुल HD में फिर से देखना चाहोगे तो यूट्यूब पे सर्च मिल रहा, इवनिंग के टाइम पे मानना, मतलब आपको मिल ही जाएगा, देखने को मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिन हो रहा है, मतलब अभी 2-3 दिन हो चुका है सीतारामम मूवी जो ना इवनिंग में यूट्यूब में अवेलेबल हो जा रहा है, फिर डिलीट हो जा रहा है। अगर देखना पसंद करूँ, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। तो ये जो किंग ऑफ कोथा मूवी है, इसकी अगर हालिया अपडेट की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे दिलकर सलमान हमारे कॉन्सेप्ट किंग नहीं है, यहाँ पे एक और वर्सेटाइल एक्टर है जो इनके साथ जुड़ने वाले हैं, कैमियो करने वाले हैं, और वो है टोनी थॉमस, जो कि हमारे इंडियन सुपर हीरो के नाम से जाने जाते हैं, मिन्नल मुरली के हीरो। तो ये दोनों अगर जुड़ रहे हैं तो ये फिल्म किस तरह का फिल्म होगा, आप जरा सोचो यार। सच में किंग ऑफ कोथा मूवी बहुत ही कमाल का मूवी होगा। और ये फिल्म हमें देखने को मिल जाएगा 23 अगस्त को। जी हाँ गाइस, 23 अगस्त को ये फिल्म देखने को मिल जाएगा। तो आप तीनों के लिए कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा खुशी हो, जरूर कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।